हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल किट्टू के फंडे। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSB का पोस्ट कोड 482 स्टेनोटाइपिस्ट। तो हम इसमें रीजनिंग पार्ट कवर करने वाले हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट, सोसाइटी, फैमिली, चर्च और क्लब। तो सोसाइटी जो है वो हमारा ग्रुप ऑफ पीपल होता है डिफरेंट कम्युनिटीज एंड रेसेस का। फैमिली जो है वो हमारा ग्रुप ऑफ पीपल होता है सेम कम्युनिटी, रिलीजन और रेस का। चर्च जो है वो एक ऐसी जगह है वेयर पीपल ऑफ एनी कम्युनिटी और रेस कैन गो। क्लब जो है वो ऐसी जगह है वेयर पीपल ऑफ एनी कम्युनिटी और रेस कैन गो। तो इस तरीके से जो है सिर्फ फैमिली ही है जो सोसाइटी, चर्च और क्लब इन तीनों की कैटेगरी से अलग आती है। तो हम इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर टिक करेंगे ऑप्शन नंबर बी। तो चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एज क्लास इज रिलेटेड टू ब्लैक बोर्ड, इन द सेम वे सिनेमा हॉल इज रिलेटेड टू विच, फिल्म, प्रोजेक्टर, बालकनी और स्क्रीन। तो जिस तरह से हम क्लास में जो स्टूडेंट्स हैं वो ब्लैक बोर्ड की तरफ देखते हैं, तो उसी तरह सिनेमा हॉल में ऑडियंस जो हैं वो हमारे स्क्रीन की तरफ देखते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हमारा ऑप्शन डी। तो चलिए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इन अ कोड परफेक्ट इज रिटन एज आर, मतलब दिस, एंड देन ब्राउन इज रिटन एज। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हम एक सीक्वेंस होता है इन क्वेश्चंस में जो हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो हम देखेंगे कि परफेक्ट में पी के बाद क्यू छोड़ के जो है वो सेकंड लेटर आ रहा है, तो आर आ रहा है। ई के बाद एफ छोड़कर जी आ रहा है। आर के बाद एस छोड़कर टी आ रहा है। इसी तरीके से एफ के बाद जी छोड़ के एच, ई के बाद एफ छोड़ के जी, सी के बाद डी छोड़ के ई और टी के बाद यू छोड़ के वी आ रहा है। तो हम सेम सीक्वेंस जो है वो हमारे अगले उसमें ब्राउन में जो है फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर हम बी वाला ऑप्शन है, इसमें बी में अगर हम जो है वो सी छोड़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है डी। और इसी तरह आर को छोड़ेंगे, आर के बाद एस छोड़ के टी, ओ छोड़ के, मतलब ओ के बाद पी छोड़ के क्यू, डब्ल्यू, एक्स छोड़ के वाई, एन, ओ छोड़ के पी। तो इस तरीके से हमारा जो आंसर आ जाता है वो है ऑप्शन डी टी क्यू वाई पी। तो ये हमारा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर हमारा है डी। तो अब हम इस क्वेश्चन को जल्दी करने के लिए इसमें हम एलिमिनेशन मेथड जो है वो यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे हम अगर बी के बाद सी छोड़ के डी चेक करते हैं, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो डी है स्टार्टिंग में वो सिर्फ हमारे ऑप्शन नंबर बी और डी में ही है। तो हमारा ऑप्शन ए और ऑप्शन सी तो वहीं पे कैंसिल हो गया। अब आप अगर ध्यान से देखेंगे ऑप्शन बी और ऑप्शन डी, तो आप इसमें देखेंगे कि क्यू वाई पी जो है वो दोनों ही ऑप्शंस में सेम है। मतलब ओ डब्ल्यू एन का जो कोड है वो क्यू वाई और पी है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज़ पता करनी है कि आर का कोड क्या बनता है। तो जैसे ही हमें पता लग जाता है कि आर में एस छोड़ के टी आता है ऑप्शन, तो हमें आगे का क्वेश्चन चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो हम डायरेक्टली यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। From 4 to 49, how many numbers which are divisible by 4 and sum of their digits be 9? तो हम सबसे पहले यहाँ पे नंबर्स लिख लेंगे जो कि 4 से डिविजिबल हैं। तो मतलब कि हम इसको 4 का टेबल ही बोलेंगे। तो 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44 and 48। तो और साथ में इस क्वेश्चन में हमें दूसरी कंडीशन दी गई है कि सम ऑफ देयर डिजिट्स भी 9। तो इन सारे नंबर्स में जब आप काउंट करें, चेक करेंगे, तो हमारा सिर्फ एक ही नंबर आता है जो है 36, जो कि जिस नंबर की डिजिट्स का सम जो है वो 9 है। तो क्वेश्चन पूछा है कि हाउ मेनी नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय इन सब कंडीशंस में। तो हमारा यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर बनता है, वो है 36। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है हमारा ऑप्शन ए। तो चलिए आइए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा है ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, सी इज़ द सिस्टर ऑफ बी, हाउ इज़ बी रिलेटेड टू ए।
कज़न, सिस्टर, ब्रदर और डेटा इनएडिक्वेट। ये क्वेश्चन जो है वो हमारा है ब्लड रिलेशन का। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले हम जो है वो कुछ जो इसके बेसिक्स हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने जिस तरीके से इस क्वेश्चन को सोल्व किया है, तो मैंने गर्ल को इंडिकेट करने के लिए प्लस का मतलब निशान लगाया है, बॉय को इंडिकेट करने के लिए मैंने माइनस का निशान लगाया है, और अगर कोई मैरिड कपल है तो उसको इंडिकेट करने के लिए मैंने डबल साइड एरो का निशान लगाया है, और अगर सिबलिंग है उसके लिए सिंगल एरो का निशान है, और जनरेशन गैप जैसे ग्रैंडफादर टू फादर, फादर टू चाइल्ड जो है वो मैंने डाउन एरो का या अप एरो का निशान लगाया है। तो हम यहाँ पे अब हम चेक करेंगे, यहाँ पे लिखा है ए इज़ ब्रदर ऑफ बी। तो यहाँ पे मैंने ए इज़ ब्रदर ऑफ बी है, तो ए इज़ ब्रदर, ब्रदर मीन्स बॉय, तो यहाँ पे मैंने माइनस का लगा लिया, तो ए जो है उसको मैंने माइनस इंडिकेट कर दिया। एंड ए इज़ ब्रदर ऑफ बी, तो ये सिबलिंग हुए तो सिंगल एरो लगा, और बी जो है वो बी के बारे में हमें कुछ स्पेसिफिक बताया नहीं गया कि बी बॉय है और गर्ल है, तो हमने इस पर कोई निशान नहीं लगाया, तो ए इज़ ब्रदर ऑफ बी यहाँ पे आ गया। अब हम आगे पढ़ेंगे, आगे है सी इज़ द सिस्टर ऑफ बी। तो सी जो बोला है वो सिस्टर ऑफ बी है, तो अगर सी सिस्टर है तो यहाँ पे गर्ल का निशान आएगा, तो मैंने प्लस लगा लिया। अब सी जो है वो बी की सिस्टर है, तो बी जो है उसमें हमने सिंगल एरो के साथ सी को इंडिकेट कर दिया। इस स्टेटमेंट से भी हमें बी के बारे में कुछ भी पता नहीं चला है कि वो बॉय है और गर्ल है। तो अगली कंडीशन है हाउ इज़ बी रिलेटेड टू ए। तो यहाँ पे पूछा है कि बी का ए से क्या संबंध होगा। तो हम जब इसको पूछ रहे हैं तो बी का जो है वो ए से क्या संबंध होगा, तो हम इसमें बता नहीं सकते कि बी जो है वो ए का भाई है या बी जो है वो ए की बहन है। और इसमें दो ही केस बनते हैं कि बी या तो भाई होगा या तो बहन होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन है कज़न, तो कज़न तो नहीं होगा, सिस्टर हो सकता है, ब्रदर हो सकता है, और डी ऑप्शन है डेटा इनएडिक्वेट, क्योंकि हम इसमें बता नहीं सकते कि ये ऑप्शन मतलब सिस्टर है या ब्रदर है, इसलिए हम इसको टिक करेंगे ऑप्शन डी को। तो इस तरीके से हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होता है ऑप्शन डी। तो चलिए आइए अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ ये क्वेश्चन जो है ये है मतलब लॉजिकल रीजनिंग पे। यहाँ पे स्टेटमेंट दी हुई है सम ट्रीज आर पेंस, ऑल पेंस आर पेंसिल्स। इस क्वेश्चन में जो है हमें जो स्टेटमेंट दी हुई है हमें उसी को जो है वो मतलब ट्रुथ मान लेना होता है, तो उसी के बेसिस पे हमें कुछ कंक्लूजन्स दिए गए होते हैं। तो जैसे अब हम इस क्वेश्चन में एक वेन डायग्राम बनता है, जैसे हम इसकी स्टेटमेंट को लिखते हैं सम ट्रीज आर पेंस, तो आप इसमें हमारे केसेस बनाने होते हैं। हम तो पहला केस बना रहे हैं, जैसे लिखा है सम ट्रीज़ आर पेंस, तो हमने ये ट्रीज़ बना लिए, तो ट्रीज़ के साथ जो है वो हमने बना लिया, ट्रीज़ के साथ जो है एक मिनट, तो ट्रीज़ ये जो ट्रीज़ हैं, तो ट्रीज़ और सम ट्रीज़, तो ये जो बीच में जो कटा हुआ हिस्सा है, ये जो है बीच वाला पार्ट, ये जो है वो आपका आ जाता है ट्री। यहाँ पे ये जो ट्रीज़ का ये वाला हिस्सा है जो ये है पेंस, तो सम ट्रीज आर पेंस। तो इस तरीके से ये चीज़ आ गई हमारी सम ट्रीज आर पेंस, और उसके बाद लिखा है ऑल पेंस आर पेंसिल्स, तो ऑल पेंस आर पेंसिल्स में आ गई हमारा, हाँ जी, तो ये जो सारे पेंस हैं ये हमारे जो होते हैं वो हमारे आ जाते हैं पेंसिल्स में। ये जो हमारा पेन वाला जो हिस्सा है ये सारा हमारा आ गया पेंसिल के अंदर, ये आ गया हमारा सारा पेंसिल के अंदर। तो इस तरीके से ये हमारा केस वन बन जाता है। तो अगर हम इस केस को जो है वो दूसरे नज़रिए से देखें, मतलब कि हम स्टेटमेंट नंबर टू जो है अगर हम उसको पहले देखें, तो लिखा है ऑल पेंस आर पेंसिल्स, तो हम बनाते हैं इसमें केस नंबर टू। इसमें लिखा है कि ऑल पेंस जो हैं वो हमारी हैं पेंसिल्स, तो ऑल पेंस जो हैं वो हमारे आगे पेंसिल, ऑल पेंस जो है वो पेंसिल्स में आ जाते हैं। तो इस तरीके से अब हम अगर स्टेटमेंट नंबर वन पढ़ें तो उसमें लिखा है सम ट्रीज आर पेंस, सम ट्रीज आर पेंस, तो सम ट्रीज आर पेंस, तो सम ट्रीज आर पेंस, तो इस केस में जो है वो हमारी जो एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है सम ट्रीज आर पेंस में ये हो रहा है कि इस ये केस ट्रू बन मतलब इस तरीके से बन गया।
और केस थ्री भी जो है उसमें ऐसा हो सकता है कि पेंस एक मिनट सम ट्रीज आर पेंस ऑल पेंस आर पेंसिल्स. तो यहाँ पे भी हम देखेंगे कि सम ट्रीज आर पेंस जो है और सम ट्रीज आर जो है वो पेंस, ये जो बीच वाला पार्ट आ गया हमारा ये आ गया सम ट्रीज आर, ये जो बीच वाला पार्ट है ये आ गया हमारा सम ट्रीज आर पेंस एंड एक मिनट एंड ऑल पेंस आर पेंसिल्स. तो ऑल पेंस आर पेंसिल्स, तो ये हमारे इस तरीके से तीन केस बनने हैं. तो हम जो है वो इसमें चलिए मैं एक बार फिर से इस चीज़ को एक्सप्लेन कर देती हूँ. हमारी यहाँ पे जो कंडीशन है वो है सम ट्रीज आर पेंस. तो हम सम ट्रीज आर पेंस के ये तीनों केस में देख लेते हैं कि क्या ये लाइन है. तो सम ट्रीज यहाँ पे जो है केस वन में आप देखेंगे कि ट्रीज का जो कुछ हिस्सा है वो हमने पेन के सर्कल में ले लिया हुआ है, तो इससे हम ये चीज़ हो जाती है कि ट्रीज जो है सम ट्रीज आर पेंस. इसी तरीके से हमने यहाँ पे सम ट्रीज आर पेंस जो है वो साथ में लिया हुआ है और तीसरी केस में भी हमने सम ट्रीज आर पेंस लिया हुआ है. तो सेकेंड स्टेटमेंट में है हमारा ऑल पेंस आर पेंसिल्स. तो यहाँ पे फर्स्ट केस में भी हमने सारे पेंस को जो है वो पेंसिल्स के ग्रुप में डाल दिया है, सेकंड केस में भी हमने यही किया है और हमने थर्ड केस में भी यही किया. लेकिन डिफरेंस ये है कि फर्स्ट केस में जो है हमने ट्रीज़ को पेंसिल से एक्सक्लूड किया हुआ है, दूसरे में केस में हमने ट्रीज़ को पेंसिल्स के अंदर ही इंक्लूड किया हुआ है, क्योंकि हमें इसके बारे में पता नहीं है कि ट्रीज़ और पेंसिल्स का आपस में रिलेशन क्या है. और जो थर्ड है उसमें हम मतलब अज्यूम कर रहे हैं कि ये तीन केसेस हैं ट्रीज़ और पेंसिल्स के बीच में, बाकी चीज़ें तो कॉमन ही हैं. तो हम अब चेक करेंगे कि इन तीनों केसेस में हमारे जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन नंबर वन सम पेंसिल्स आर पेंस, हम चेक करेंगे कि क्या ये तीनों में सही है या गलत है. सम पेंसिल्स आर पेंस, फर्स्ट में हम देखेंगे कि क्या सम पेंसिल्स आर पेंस है. तो हाँ जी, हम देखेंगे कि सम पेंसिल्स, हाँ जी, तो पेंसिल्स का जो हिस्सा पेंस की कैटेगरी में आती है तो वो सारा हिस्सा पेंस है, पेंसिल का वो सारा हिस्सा पेंस है. अब हम केस टू में देखते हैं, केस टू में भी सेम है, पेंसिल्स का जो हिस्सा पेंस के अंदर आ रहा है वो सम पेंसिल्स आर पेंस, और केस थ्री में भी सेम है. तो ये जो बात है ये हमारी तीनों में ट्रू हो जाती है. तो हमने लिख दिया यहाँ पे सम पेंसिल्स आर पेंस ट्रू इन ऑल केसेस, ट्रू. तो अब हमारा सेकेंड कंक्लूजन है All trees are pens. तो अब इसको देखते हैं हम, all trees are pens. तो first case जो है उसमें all trees are pens तो हमें नहीं पता, हमें कुछ trees का तो पता है कि वो pens हैं लेकिन all trees हैं या नहीं हमें नहीं मालूम. लेकिन case two में है कि all trees are pens, हाँ नहीं इसमें भी नहीं है, all trees are pens तो नहीं है, कुछ ही हैं. और same case यहाँ पे third है. तो ये तो हमारा तीनों ही केसेस में ऑल ट्रीज आर पेंस जो है वो तीनों ही केसेस में हमारा फेल है. तो हम इसको कंक्लूड नहीं कर सकते, तो ये हमारा आ गया हमारा कांट बी कंक्लूडेड. अब हमारा जो तीसरा है वो है सम ट्रीज आर पेंसिल्स. तो सम ट्रीज आर पेंसिल्स में हम देखेंगे कि सम ट्रीज का कुछ हिस्सा केस वन में जो है वो पेंसिल्स है. सेम वे में यहाँ पे भी ट्रीज का कुछ हिस्सा के यहाँ पे तो सारा ही हिस्सा पेंसिल्स में है, और इसमें भी केस थ्री में भी कुछ हिस्सा पेंसिल्स में है. तो हर तीनों केस में ये चीज़ जो है वो ट्रू हो रही है कि सम ट्रीज आर पेंसिल्स, ट्रू इन ऑल केसेस. अब नेक्स्ट है हमारा सम पेंसिल्स आर ट्रीज, तो वो भी सम पेंसिल्स आर ट्रीज जो है वो कुछ हिस्सा है पेंसिल्स का, हाँ जी, केस टू में भी ठीक है और केस थ्री में भी ये चीज़ ठीक है. तो हमारा जो ऑप्शंस हैं वो है हमारा ओनली वन एंड टू. तो हम चेक करते हैं कि ओनली वन एंड टू, तो वन एंड टू में तो हो नहीं सकता क्योंकि हमारा टू जो है वो गलत है. और उसके बाद है ओनली थ्री एंड फोर. तो ओनली थ्री एंड फोर तो है लेकिन ओनली नहीं है, तो इसमें वन भी है क्योंकि हमारा अब है ओनली फोर. तो यहाँ पे ओनली फोर भी नहीं हो सकता क्योंकि हमारे वन और थ्री भी हैं. और अब है ऑल, ऑल तो नहीं हो सकता क्योंकि हमारा टू जो है वो रॉन्ग है. तो इसका आंसर होना चाहिए वैसे तो नन ऑफ दिस, लेकिन अगर हम चेक करें कि नन ऑफ दिस तो ऑप्शंस में है ही नहीं, तो हमारा जो मोस्ट वैलिडेटेड आंसर आता है वो आता है ऑप्शन बी, जो कि बिल्कुल ट्रू है, ओनली थ्री एंड
फोर, बाकी सभी क्वेश्चंस में कुछ प्रॉब्लम है लेकिन ओनली थ्री एंड फोर जो है हमारा सही है। तो इस तरीके से हम जो है इसको लगा देंगे ऑप्शन बी को आंसर। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।